फिर सहाबाए कराम का हुजूर की मोहब्बत में मैंने बताया पहली अलामत, पहली अलामत मोहब्बत में उनके अदब का हद से बड़ी हुई ताजीम व तकरीम का आलम यह था कि कैस बिन मखरमा रिवायत करते हैं और ये तिरमजी शरीफ में है और अल मुस्तदरक इमाम हाकिम और दीगर कुतुब हदीस में, तबरानी में भी रिवायत करते हैं कि उन्होंने कहा हजरत कैस बिन मखरमा ने कि मैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही साल में, जब अब्रहा ने हाथियों से हमला किया था हमारी विलादत उस साल में हुई। इस पर सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने पूछा कुबास बिन शेम से कि बताएं कि आप उम्र में बड़े हैं या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े उम्र में, कौन बड़ा है? और फिर ये बात आगे सीदना उस्मान गनी ने बताई है तो तब कैस बिन मखरमा से रिवायत हुई है। यानी सीदना उस्मान गनी के ज़ौके इश्की का आलम देखें कि ये बात उनके दिल को कितनी भा गई। तो पूछा कौन उम्र में बड़ा है? उन्होंने कहा आप सहाबा के अदब को देखिए और ये मोहब्बत और इश्क के बगैर ये अदब कौन सिखाता है। उन्होंने कहा फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकबर मिन्नी व अना अकदम मिन्हु फिल मीलाद। उन्होंने कहा बड़े तो हुजूर ही हैं। इमाम तिरमजी ने तिरमजी शरीफ के अंदर फसल कायम की है बाब फी मीलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनवान कायम करके। सुना ने तिरमजी बाब कहो सम्मा बाबन बाबन फी मीलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी किताब अल-फ़ज़ाइल वल-मनाक़िब। तो इमाम तिरमजी ने बाब कायम करके उसमें यह हदीस लिखी वह अखरज इमाम तिरमजी हाज़िर हदीस भी नफ्सुल बाब। कहा कि बड़े तो हुजूर ही हैं हुवा अकबरु मिन्नी व अना अक़दमु मिन्हु फिल मीलाद, मैं तो बस पैदा पहले हो गया था।